कई दिनों से राजस्थान तक चल रही सियासी नाटक में एक और दिलचस्प ट्विस्ट आ गया है। ताजा खबर ये है कि गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, वो सीएम बने रहेंगे या नहीं, ये फैसला भी उन्होंने सोनिया गांधी पर छोड़ा है। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई, जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की जो घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। गहलोत का कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव न लड़ने के ऐलान का असली अर्थ तो यही है कि वो राजस्थान के सीएम बने रहेंगे, और गहलोत के सीएम बने रहने का मतलब है पायलट की फ्लाइट का मेन इंजन एक बार फिर टेक ऑफ होने से पहले ही बंद हो गया। इतना ही नहीं, पायलट के हिस्से एक बार फिर इंतजार ही आया है। उधर सवाल ये है कि गहलोत दांव हार गए हैं या फिर सीएम की कुर्सी पर हिलते हुए पांव जमा दिए हैं। गहलोत की ना के बाद अब अध्यक्ष पद की रेस में दो नाम बचे हैं। एक नाम है दिग्विजय सिंह का तो दूसरा शशि थरूर का, जो कि पहले से इस दौड़ में शामिल था। लेकिन हालातों को देखें तो दिग्विजय सिंह का इस रेस में शामिल होना और गहलोत का इनकार करना तो तस्वीर स्पष्ट दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं दिग्विजय की झोली में ये बाजी जाने वाली है। उधर सियासी पंडित विश्लेषण कर रहे हैं कि गहलोत हारे हैं या जीते हैं, लेकिन अगर राजस्थान का बीता घटनाक्रम देखें तो इसे जीत की संज्ञा दे सकते हैं। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।